Hello everyone. Hi, I am Tanu Virmani, IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. Very warm welcome to Baby Poetry live sessions. So we are back with our live session 7. आज हम अपना live session 7 record कर रहे हैं, which is about strategies for matching heading and matching information questions. So आज मैं आपको strategies देने वाली हूँ कौन से topic के बारे में, जो कि है मैचिंग हेडिंग और मैचिंग इंफॉर्मेशन, विच इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, यू कैन डाउनलोड फॉर द रीडिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम आर ऐप एप्लीकेशन के थ्रू. आप फ्री टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप को बाय करके. अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस आप 1 to 2 मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए, नाउ सपोज अगर आपका एग्जाम 10 डेज में है, तो आप अनलिमिटेड टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप फी. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. वी आर टॉकिंग अबाउट मैचिंग हेडिंग एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. की मैचिंग हेडिंग होते कौन से हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें अप्लाई करनी चाहिए उनको फाइंड आउट करने के लिए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस की. मैचिंग हेडिंग क्या होती है? नाउ जब आप क्वेश्चन को रीड करो, मैचिंग हेडिंग इसका मतलब क्या है कि आपको मैच करना है हेडिंग को मैच करना है, राइट? किसके साथ मैच करना है, यू हैव टू सी दैट. मोस्टली मैचिंग हेडिंग, और आई वुड से 100% मैचिंग हेडिंग इज एक्चुअली यू हैव टू मैच द हेडिंग टू द करेक्ट पैराग्राफ. जब आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी होती हैं और आपको लेबल्ड पैराग्राफ्स दिए होते हैं. लेबल्ड पैराग्राफ्स क्या होते हैं, जैसे पैरा के आगे लिखा होगा पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी, राइट? और या फिर आपको रोमन नंबर में पैराग्राफ दिया होगा, तो आपको क्या करना है, हेडिंग को पैराग्राफ से क्या करना है, मैच करना है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स यू टू मैच द हेडिंग इन द क्वेश्चन टू द करेक्ट पैराग्राफ और एनी सेक्शन इन द टेक्स्ट. कि आपको क्या करना है, मैच करना है हेडिंग को किसके थ्रू, किससे मैच करना है, पैराग्राफ से मैच करना है कि इस हेडिंग के लिए कौन सा सूटेबल पैराग्राफ है. नाउ सपोज यू आर हैविंग पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी एंड यू आर हैविंग 4 to 5 हेडिंग्स. आपके पास 4 से 5 हेडिंग है, तो आपको चेक करना है कि ये वाली हेडिंग कौन से पैराग्राफ के लिए है, या सेक्शन ए पैरा ए की हेडिंग कौन सी है, राइट? सो देयर विल बी मोर हेडिंग्स देन पैराग्राफ और सेक्शंस दैट सम हेडिंग्स विल नॉट बी यूज्ड. सो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान रखें, समटाइम्स आपको 5 पैराज दिए बट हेडिंग्स आपको कितनी दी है, 7 या 8. तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरी हेडिंग विल गोइंग टू बी यूज, नो ऐसा नहीं होता. कुछ हेडिंग्स यूज ही नहीं होती है. ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम ऑफ द टेक्स्ट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द टास्क. कभी कभी उसमें कोई भी हेडिंग्स का क्या है, कोई यूज ही नहीं होता. नाउ वॉट यू नीड टू फोकस हेयर इज, यहाँ पे आपको क्या सबसे ज्यादा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, मेन आइडिया, मेन थीम क्या है आपके पैराग्राफ की, दिस इज योर मेन फोकस. जब आप पैराग्राफ्स को रीड करते हैं, तब आपको क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि इस पैरा का मेन आइडिया क्या है, राइट? बाय रीडिंग द सिंगल पैराग्राफ यू शुड नो कि इसका मेन आइडिया क्या है. आपने सेक्शन ए को रीड करा, आपने पैरा ए को रीड करा, इसका मेन आइडिया क्या है. यहाँ पे आपकी ये एबिलिटी क्या होती है, यूज होती है, कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं, आपको मेन आइडिया जनरेट करना आ रहा है या नहीं, राइट? और ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों होते हैं, वाई दे आर ट्रिकी इज बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, राइट? आप जो टाइम सेंटेंस कॉम्प्लीशन को करने में या किसी और क्वेश्चन टाइप को करने में लगाते हो, यहाँ पे आपका टाइम उससे ज्यादा लग जाता है. बिकॉज आप क्या करते हो, यहाँ पे थोड़ी सी डीप रीडिंग करते हो, रीडिंग इन डिटेल करते हो, जिससे आपको क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि यस, मेरे पैसेज में, मेरे पैराग्राफ में मुझे ये मेन आइडिया मिला, ये कन्वे कर रहा है, राइट? और दूसरी थिंग कि यहाँ पे क्या होती है, हेडिंग ज्यादा होती है, तो यू विल गेट कंफ्यूज ऑल्सो कि कौन सी सूटेबल हेडिंग इस पैराग्राफ के लिए. सम पैराग्राफ डोंट नीड हेडिंग, कभी कभी कुछ पैराग्राफ के लिए हेडिंग्स की नीड ही नहीं होती है. देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन हेडिंग्स, और कभी कभी हेडिंग्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. दो हेडिंग या तीन हेडिंग्स में कुछ कीवर्ड्स क्या मिलेंगे, आपको सिमिलर मिलेंगे, राइट? हेडिंग्स दैट ओनली इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स रादर देन मेन आइडिया मे मिसलीड यू.
कभी कभी क्या होता है, कुछ हेडिंग्स में आपको कुछ डिटेल दे दी जाती है, लेकिन क्या होता है, मेन आइडिया से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो अगेन वहां पे आपको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। सम हेडिंग्स हैव द सेम वर्ड्स दैट आर इन पैराग्राफ बट डोंट मैच। अब कुछ हेडिंग्स कैसी होती है, यहाँ पे जो वर्ड्स है पैराग्राफ में भी आपको सेम वर्ड मिलेगा बट वो मैच नहीं करते। सिर्फ कीवर्ड्स को देखने से आपको हेडिंग नहीं पता लगती है, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ टू गेट द मेन आइडिया, राइट? सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, आई एम कमिंग अप विद टू स्ट्रैटेजीज। मैं आपको टू स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जो आपको किस चीज में हेल्प करने वाली है मैचिंग हेडिंग्स को सॉल्व करने में। स्ट्रैटेजी नंबर वन इज कि आप क्या रीड करेंगे, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्ट्रैटेजी नंबर टू है कि आप क्या रीड करेंगे, टेक्स्ट को रीड करेंगे पहले, ठीक है? तो कैसे अप्लाई करने वाले हम ये दो स्ट्रैटेजी, विल डिस्कस नाउ। स्ट्रैटेजी नंबर वन, जैसे स्ट्रैटेजी नंबर वन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अब आप क्वेश्चन को रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड ईच हेडिंग। आपको क्या करना है, ईच हेडिंग को रीड करना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी है आपको, ठीक है? ट्राई टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच हेडिंग बाय रीडिंग ऑल ऑफ देम। अब आपको क्या करना है, आराम से क्या करना है, ऑल द हेडिंग्स, सारी हेडिंग्स को क्या करना है, रीड करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि उन हेडिंग्स के मीनिंग क्या है। अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया ऑफ हेडिंग कैन बी मेड ईजियर बाय पैराग्राफ। अगर आप हेडिंग्स को अच्छे से रीड करते हो और उनका मेन आइडिया समझते हो तो आप पैराफ्रेजिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जब आपने हेडिंग्स को रीड कर लिया तो आप क्या करोगे, पैराफ्रेजिंग पे फोकस करोगे कि पैसेज में क्या दिया होगा, राइट? जो मेरे पैराग्राफ्स होंगे उसमें मुझे क्या पैराफ्रेजिंग मिलने वाली है, करेक्ट? सेकेंड थिंग इज सर्कल कीवर्ड्स विद द हेडिंग्स। अब आपको क्या करना है, हेडिंग्स में जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या करो, सर्कल कर लो। सॉरी आई एम लिटिल अनवेल टुडे। सो क्या करना है, उसके बाद आपको कीवर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। जो हेडिंग्स के कीवर्ड्स हैं आप उनको क्या करो, लिटिल सर्कल कर लो, अंडरलाइन करो, सर्कल करो। जैसे कि कुछ भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, नेम्स दिखता है, प्लेसेस दिखती है, डेट्स दिखते हैं, कोई भी नाउन दिख रहा है, एनीथिंग, ठीक है? आप क्या करो, उनको रीड करो, आराम से कनेक्ट करो करेक्ट हेडिंग को अपने एप्रोप्रिएट पैराग्राफ से, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। थर्ड थिंग इज एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग्स शुड बी नोटेड। अगर आपको लग रहा है कि इन दो हेडिंग्स के बीच में कुछ सिमिलर है या कुछ बहुत डिफरेंस है इनके बीच में, तो आप उसको नोट करो, राइट? हेडिंग्स आर ऑफन वेरी सिमिलर और कंप्लीटली ऑपोजिट। या तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है या कंप्लीटली क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग होती है। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, इससे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है हेडिंग्स के बीच में कि क्या है, कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं, आप क्या सिलेक्ट करने वाले हो, राइट? तो आपका ऑप्शन जो है ना, आंसर सिलेक्ट करना इज वेरी इजी फॉर यू। तो मेक श्योर कि आप क्या करो, सारी हेडिंग्स को रीड करो पहले। हेडिंग्स को रीड करने के बाद अंडरस्टैंड द मीनिंग आल्सो, सो दैट आपके लिए क्या इजी हो जाए, पैराफ्रेजिंग चूज करना पैराग्राफ में, ठीक है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, सर्कल करो। अगर आपको कीवर्ड्स के थ्रू क्या मिलता है, करेक्ट हेडिंग मिलती है, आप अप्रोप्रिएट पैराग्राफ में जा पाते हो, फिर आप क्या कर पाते हो, इजिली उसको चूज कर पाते हो। थर्ड थिंग इज, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सिमिलैरिटी है या कोई भी डिफरेंस है हेडिंग्स के बीच में, तो उसको जरूर नोट करो। वो भी आपकी क्या हेल्प करता है, ऑप्शन को चूज करने में बहुत हेल्प करता है, करेक्ट? नाउ रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपको जनरली क्या देता है, एक मेन आइडिया देता है कि इस पैराग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे होने वाली है। इट इज गुड कि आप प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस को रीड करना, आपका टाइम भी सेव होता है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्किम अदर सेंटेंसेस क्विकली बिकॉज मेन आइडिया माइट नॉट बी अपेरेंट। ऐसा नहीं होता कभी कभी कि मेन आइडिया आपको ना दिख रहा हो अंटिल सेकेंड और थर्ड सेंटेंस, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप रीड करो, क्योंकि ऑफन ऑफन मीन्स जनरली क्या होता है कि मेन आइडिया होता है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में। बट आप क्या करो, बाकी सेंटेंसेस को भी रीड करो, क्योंकि जनरली कभी अगर ना हो तो ऐसा ना हो कि आप आंसर को लूज कर लो, राइट? हेडिंग दैट इज मोर सूटेबल फॉर द पैराग्राफ शुड बी चूजन।
अब आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि ये हेडिंग जो है क्लोजली मैच कर रही है मेरे पैराग्राफ से, जब आपने उसको रीड कर लिया, आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा, आपने पैरा को रीड करा, अब आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि कुछ और तो नहीं है, कोई और हेडिंग तो इसके सूटेबल नहीं है। अगर नहीं है तो मेक श्योर कि आप क्रॉस चेक करो हेडिंग के ऑप्शंस को और आंसर को क्या करो, क्लियर करो जब आपने सारे पैराग्राफ्स को रीड कर लिया। रिमेम्बर अ हेडिंग इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। हेडिंग क्या होती है, हेडिंग एक मेन आइडिया होती है पैराग्राफ का, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, मेन आइडिया है। द सेम डिटेल इन द पैराग्राफ सच एज मैचिंग वर्ड मे बी इन द हेडिंग बट इट मे नॉट बी द मेन आइडिया। कीवर्ड सिर्फ आपको हेल्प करते हैं पैराग्राफ को चूज करने में, कीवर्ड्स के थ्रू कभी आपको हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना। कीवर्ड इज ओनली टू गो टू द पैराग्राफ, नॉट टू सिलेक्ट। ओके, क्लियर? हेडिंग जो होती है वो आपको मेन आइडिया बताती है अपने पैराग्राफ का, सो मेक श्योर कि आप ये चीज को ध्यान दें। सेकंड थिंग, सेकंड स्ट्रेटजी, रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। अब कुछ सम टेस्ट टेकर व्हाट दे प्रेफर इज कि वो क्या करते हैं, टेक्स्ट को क्या करते हैं, स्किम करते हैं। स्किम द टेक्स्ट रीडिंग ईच पैराग्राफ क्विकली टू गेट द जनरल जिस्ट ऑफ व्हाट टेक्स्ट इज अबाउट एंड व्हाट द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ इज। सारे पैराग्राफ्स को रीड करके वो क्या करते हैं, स्किम करते हैं। स्किम करने के बाद एक जनरल जिस्ट, मतलब एक मेन आइडिया निकालते हैं, एक जनरल आइडिया निकालते हैं कि हर पैराग्राफ का क्या आइडिया, क्या कन्वे हो रहा है। हाउएवर बी केयरफुल विद द टाइमिंग, आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हो, रिमेम्बर अगर आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं ईच रीडिंग सेक्शन के लिए, तो आप पूरा 20 मिनट सिर्फ इस क्वेश्चन टाइप पे तो नहीं डिवोट कर सकते, राइट? सो इट्स बेटर व्हाट स्ट्रैटेजी यू अप्लाई इज, फर्स्ट वन, रीड वन पैराग्राफ एट अ टाइम। आपने पैरा ए रीड करा, ठीक है, स्पेंड मोर टाइम ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को थोड़ा टाइम ज्यादा लगाओ, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, आपको मेन आइडिया मिल जाए, राइट? सेकेंड इज क्रिएट ओन हेडिंग, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपने पैराग्राफ को क्या करा, स्किम करा, अपनी हेडिंग सोचना स्टार्ट कर दो कि इसकी क्या हेडिंग हो सकती है, और या फिर एक छोटा सा सेंटेंस क्रिएट कर लो जिससे क्या पता चले कि हाँ ये पैराग्राफ ये करने का था, राइट? सो हेडिंग क्या हो जाएगी, मेन आइडिया, और वो जो सेंटेंस जो आपने क्रिएट करा है या मेन आइडिया जो क्रिएट करा, आपको हेल्प हो जाएगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को चेक करने के लिए, राइट? क्योंकि आपने एक हेडिंग ऑलरेडी क्रिएट कर ली कि ये पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है। थर्ड थिंग इज रीड ईच इंडिविजुअल हेडिंग। अब आपको अगर अच्छे से ध्यान से मीनिंग समझना है तो आप क्या करोगे, सारी हेडिंग्स को रीड करना स्टार्ट कर दोगे। दिस टाइम ट्राई टू चूज अ हेडिंग दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द हेडिंग दैट यू मेड अप फॉर द सेम पैराग्राफ। अब आपने जो हेडिंग बनाई है और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो बनी हुई है उसमें देखो, और अपनी हेडिंग्स में देखो कौन सी क्लोज है, एंड देन आप क्या करोगे उस पैराग्राफ के लिए, क्या करोगे उसको चूज करोगे। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आपके पैराग्राफ को फिट करते हैं, बट आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शंस को, राइट? एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, मेक श्योर यू चूज द करेक्ट जिसमें आपका मेन आइडिया कन्वे हो रहा है, जो आपने भी चूज करी अपने पैराग्राफ के लिए और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में भी आपको दी, करेक्ट? तो या तो आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो या फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। दीज टू आर वेरी हेल्पफुल। अब हम कुछ टेक्निक्स और कुछ टिप्स की बात करने वाले हैं जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं, आपको काफी हेल्प करने वाली है। फर्स्ट वन इज रीड द हेडिंग्स एंड स्किम द पैराग्राफ क्विकली, मेक अ डिसीजन क्विकली। आपको जल्दी से जल्दी करना है, यू कैन नॉट डिवोट कंप्लीट 20 मिनट्स, आप पूरे 20 मिनट्स नहीं लगा सकते। एक्सपैंड द हेडिंग इन टू अ सेंटेंस। हेडिंग को किस में एक्सपैंड करोगे, सेंटेंस में एक्सपैंड करोगे, जिससे क्या होगा आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। वेन यू फाइंड द जनरल थीम और फोकस ऑफ द पैराग्राफ स्टॉप स्किमिंग एंड मैच क्विकली। जब आपको पता चल गया कि ये मेन फोकस है, ये मेन आइडिया इस पैराग्राफ का है, लीव दैट क्वेश्चन, उसको स्किम करना छोड़ो और फटाफट क्या करो, मैच करो अपने आंसर को, बिकॉज दिस इज टाइम मैनेजिंग एग्जाम, आपको बहुत क्विकली यहाँ चलना पड़ता है। वंस यू हैव मैच द हेडिंग्स, रीड देम इन ऑर्डर एंड सी इफ द सीक्वेंस मेक सेंस। अब आपने सारी हेडिंग्स को मैच कर लिया, रीड करो उनको, चेक करो एक बार कि सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, राइट? वेन यू चेक, अवॉइड लुकिंग एट द डिटेल, इट कैन मेक यू चेंज योर माइंड। डिटेल पे नहीं जाना, आपको क्या जाना है, मेन आइडिया पे फोकस करना है। प्रिडिक्ट अ पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द हेडिंग्स बिफोर यू लुक एट द टेक्स्ट।
अब आपको पॉसिबल सीक्वेंस देखना है हेडिंग्स का कि क्या क्या हो सकता है, राइट? इफ द पैराग्राफ इज डिफिकल्ट, यूज वेरियस स्किमिंग टेक्निक, फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट डेवलपमेंट, ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि ये पैरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, ट्राई डिफरेंट टेक्निक, स्किम करो, स्कैन करो, रीड एंड डिटेल करो, बट ट्राई सम डिफरेंट टेक्निक, जिससे क्या हो पाए, आपको एक डायरेक्शन मिल पाए कि ये मेन आइडिया है और ये इसकी सूटेबल हेडिंग हो सकती है, राइट? स्किम ईच पैराग्राफ इन टर्न एंड डिसाइड वेरी क्विकली व्हाट इट इज अबाउट। पैराग्राफ को डिटेल में रीड करो, डिसाइड करो, मेक योर ओन हेडिंग इन अ कपल ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स में अपनी हेडिंग बनाओ और उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग से क्या करो, उसको मैच करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आप अपनी हेडिंग क्रिएट करके बाद में क्या करते हो, उससे मैच करते हो लिस्ट ऑफ हेडिंग से। ओके, नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज ऑन माई स्क्रीन, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इट। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स और आई वुड से फ्यू मिनट, जल्दी से आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड करो एंड देन यू कैन अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। आप भी वही स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन ए इज ऑन द स्क्रीन, सेक्शन बी एंड सी आई शो यू। सेक्शन बी, सेक्शन सी, दैट मीन्स पैरा बी, पैरा सी आपको यहाँ पर गिवन है। आपको वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। एनी वन स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। Yes, so here are the answers on the screen. Explanation is also given to you. Once you complete the exercise, you can see the answers also. आप यहाँ पे answers भी देख सकते हो. But first, I will ask you कि आप क्या करो, पहले उन questions को solve करो and then explanation वाले part पर आना. ठीक है? पहले आप खुद वो वाली strategies को apply करके क्या करो, answers को find out करो and then see the answers. Okay? ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन क्या होते हैं? इन क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन को मैच करना होता है। यू आर आस्क्ड टू मैच द स्टेटमेंट्स टू द पैराग्राफ। आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको क्या करना है, पैराग्राफ में मैच करना है, राइट? देयर कुड बी, दीज स्टेटमेंट्स कैन बी द रीजंस, इट कैन बी द डिस्क्रिप्शन, समरीज भी हो सकते हैं, डेफिनेशंस भी हो सकते हैं, फैक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं। वो क्या है ये मैटर नहीं करता, यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज इन द रीडिंग टेस्ट। देखा जाता है कि आपकी कितनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, कितना आप अपनी नॉलेज को यहाँ अप्लाई करके क्या करते हो, अपनी रीडिंग स्किल को अप्लाई कर पाते हो स्टेटमेंट को क्या करके, मैच करके, राइट? यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड वॉट द होल पैराग्राफ इज अबाउट। यहाँ पे आपको पैराग्राफ को नहीं समझना, ये मैचिंग हेडिंग नहीं है जिसमें आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग या मेन आइडिया कन्वे करना है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आपके पैराग्राफ में, एक वन लाइन स्टेटमेंट है आपके पैराग्राफ में, जिसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है? द आंसर विल नॉर्मली बी कंटेन्ड इन अ होल फ्रेज और सेंटेंस रादर देन अ सिंगल वर्ड। आपका आंसर कहाँ होता है, आपका आंसर इसमें या तो एक फ्रेज में मिलेगा आपको या पूरे सेंटेंस में मिलेगा, एक सिंगल वर्ड में नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग इंफॉर्मेशन का आंसर हमेशा एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में मिलेगा, एक सिंगल वर्ड में नहीं मिलेगा, बिकॉज आप क्या ढूंढ रहे हो, आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, करेक्ट? कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए? द रीडिंग स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड हेयर इज, फर्स्ट वन इज यू विल बी एबल टू स्किम द रीडिंग टेस्ट टू गेट अ जनरल मीनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ। अब आपको स्किम करना आना चाहिए, स्किमिंग इज मस्ट हियर। यू विल ऑल्सो हैव टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स विद इन द पैराग्राफ। आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं, तो आपको क्या आना चाहिए, उसको स्कैन करना आना चाहिए। सो स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। इट इज मोर लाइकली दैट यू विल बी लुकिंग फॉर सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स, पैराफ्रेज वर्ड्स, ठीक है, उनको देखना है rather than keywords from the question statement। ये नहीं कि सिर्फ आपने keywords को ही ढूंढ लेना है, keywords is only for you to
लोकेट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीवर्ड सिर्फ आपको स्टेटमेंट तक पहुंच जाते हैं, रीड आपको यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को भी करना है, वहां पैराफ्रेजिंग भी चेक करनी है कि वो मीनिंग सेम है या नहीं, राइट? व्हेन यू हैव फाउंड द वर्ड्स और फ्रेजेस, जब आपको वो वर्ड्स या फ्रेजेस मिल गए हैं, यू माइट थिंक दैट यू गिव द करेक्ट आंसर। रीड करो उसको फुली, उस सेंटेंस को रीड करो फुली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन डिसाइड द करेक्ट आंसर। कीवर्ड यहाँ पर भी है, कीवर्ड वहां पर भी है, बट पता कैसे लगेगा दैट दिस इज द करेक्ट, जब आप यहाँ पे भी सेंटेंस को रीड करो केयरफुली एंड अपने पैसेज में भी रीड करोगे, तब आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस? अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस होती है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू लुक एट द होल टेक्स्ट। आपको क्या करना है, आपको पूरे सेंटेंस को ढूंढना है, बिकॉज मैचिंग इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेज में मिलेगा या पूरे सेंटेंस में मिलेगा। आंसर कुड बी एनी वेयर इन द टेक्स्ट, अब पैसेज में कहीं पे भी आंसर हो सकता है, कोई ऑर्डर भी नहीं होता, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? ऑल्सो आंसर माइट नॉट बी द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब जैसे कि मैंने बताया, ये मैचिंग हेडिंग नहीं है कि आपको मेन आइडिया में आंसर मिल जाएगा, नो। नॉर्मली पैराग्राफ में क्या होता है, वन मेन आइडिया होता है, पैराग्राफ कंटेन्स वन मेन आइडिया, एंड रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड विद दिस, बट इन क्वेश्चंस में आंसर कुड बी इन एनी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड यू कैन नॉट जस्ट लाइक क्विकली स्किम टू फाइंड आउट, क्योंकि इसमें आंसर क्या होता है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, राइट? देयर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जिसको आपको कभी कंसिडर नहीं करना, बट दे गिव यू द स्ट्रैटेजी बिलो विल हेल्प यू टू इग्नोर मच ऑफ दिस इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को नहीं फोकस करना। फाइनली, नॉट ऑल पैराग्राफ्स कंटेन एन आंसर, सम पैराग्राफ्स कंटेन मोर देन वन आंसर। सो ऐसा नहीं है कि हर पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ पैराग्राफ में एक से ज्यादा आंसर भी होते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर होल सेंटेंस। अब टिप्स क्या है इसकी, टिप्स क्या है, डू दिस क्वेश्चन लास्ट, इफ यू डू अदर क्वेश्चन फर्स्ट यू विल बिकम फेमिलियर विद द पैसेज। आप क्या हो जाएंगे, आपने बाकी क्वेश्चंस को पहले करो, उससे क्या होगा कि आप पैसेज से फेमिलियर हो जाओगे, और इससे आपको क्या हेल्प होने वाली है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को आप क्विकली इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। ट्राई टू फाइंड नेम प्लेसेस नेम नंबर इन द क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ईजियर हो जाते हैं टेक्स्ट में फाइंड करना। बी अवेयर कि देयर मे बी सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स मिलेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 34% देखा क्वेश्चन में, तो उसमें क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम हो सकता है जस्ट ओवर अ थर्ड और अबाउट अ थर्ड इन द टेक्स्ट। मैं सिनोनिम्स पे भी एक सेशन बनाने वाली हूँ, वोकैबुलरी पे भी। वंस आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द रीडिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देन हम वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे एंड ग्रामर पे भी, राइट? तो आपको सिनोनिम्स ऐसे मिल सकते हैं। अब आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, देर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यू शुड यूज द वन यू कंफर्टेबल। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको जो बेटर लग रही है अपने रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, आप वो वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को भी रीड करना है, इंस्ट्रक्शन को भी रीड करना है। थिंक अबाउट द सिनोनिम्स एंड हाउ यू कुड पैराफ्रेज द स्टेटमेंट। सिनोनिम्स को देखो, कैसे पैराफ्रेजिंग हो रखी है और आप कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो, ये भी सोचो। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द आंसर। आप क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे आंसर को। ईच स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स कैन हेल्प यू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है ना, आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में इस वर्ड्स के मुझे ये वाले सिनोनिम्स मिलने वाले हैं, ट्राई थिंकिंग ऑफ दैट। क्विकली स्किम द रीडिंग टेक्स्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब आप जल्दी से क्या करोगे, पैराग्राफ को रीड करते जाओगे सो दैट आपको एक मीनिंग पता लग जाए। रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट अगेन एंड प्रिडिक्ट विच पैराग्राफ कंटेन्स द आंसर। अब आप क्या करो, जल्दी से सोचना शुरू कर दो कि कौन से में मेरे को आंसर मिलने वाला है। स्कैन द टेक्स्ट पैराग्राफ्स यू थिंक यू माइट कंटेन द आंसर ऑफ द सिनोनिम। इफ यू फाइंड अ पॉसिबल आंसर, उसको अंडरलाइन करो, चेक बैक करो अपने स्टेटमेंट में जाके और चेक करो कि कौन से पैराग्राफ में आपको उसका आंसर मिला है और कौन सी स्टेटमेंट में उसका आंसर मिला है, राइट? सो हियर इज माई स्क्रीन विद अ एक्सरसाइज। आपको एक स्क्रीन दी है, स्क्रीन में एक एक्सरसाइज है आपके पास, एक पैसेज है, आपको इन्फॉर्मेशन को मैच करना है, थ्री क्वेश्चन है आपके और थ्री इन्फॉर्मेशन टू मैच है। क्विकली डू इट।
आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को देखना है, कीवर्ड्स को देखते हुए आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज सोलर सेल्स, सेकेंड इज विटामिन बी, थर्ड इज सनलाइट। अब सोलर सेल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन को मैच करना है। तीन इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, बोन स्ट्रेंथ यूज इन कार्स एंड कंप्यूटर, क्योर्स डिप्रेशन। डोंट अप्लाई योर ओन नॉलेज, हम यहाँ पे अपनी कोई नॉलेज अप्लाई नहीं करेंगे, वी विल बी रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट पे रिलाई करेंगे, टेक्स्ट हमें जो कन्वे करता है वो आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो यू हैव फ्यू मिनट्स, वंस यू कंप्लीट दिस फर्स्ट अप्लाई द स्ट्रेटजीज एंड देन यू कैन सी द आंसर्स ऑन माई स्क्रीन। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं प्लीज आंसर्स को बाद में देखिए, एक्सप्लेनेशन को बाद में देखिए, पहले आप खुद वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, राइट? ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर द स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ। मैंने आपको दोनों की स्ट्रैटेजीज बता दी है, टिप्स बता दिए हैं, मैचिंग हेडिंग के भी और मैचिंग इन्फॉर्मेशन के भी। अगर आपको हमारी एप्लीकेशन और हमारे फ्री लाइव सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर आर ऐप विद अदर्स, और लोगों के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी हमारी ऐप को शेयर करें। फ्री एजुकेशन कैंपेन में हमारे साथ ज्वाइन करके सो दैट वी कैन टीच एवरीबडी, हम सबको पढ़ा पाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दे ऑन आर ऐप। हमारी ऐप में जाके आप रेटिंग्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्टार रेटिंग्स का ऑप्शन है, प्लीज स्टार रेटिंग्स दे सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑल्सो, और मैं आपको हेल्प कर पाऊँ हाउ टू एस आइल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो प्लीज डू कॉमेंट, डू शेयर योर फीडबैक्स, डू शेयर द स्टार रेटिंग्स विद अस, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स मी मोटिवेशन ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ लाइव सेशन 7। एंड द वन जो लोग नए हैं, जो ये पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि आप प्लीज गो बैक और बाकी के जो 6 सेशंस हैं वो भी जरूर देखें, सो दैट आप एक ट्रैक पे हो जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग मॉड्यूल क्या होता है, और कैसे हम एक एक सेक्शन को, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल यू।